दोस्तों वेलकम टू पावर एसएम, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज मैं आपके लिए आया हूं ऑल न्यू महिंद्रा बुलेरो नियो के बेस वेरिएंट जो कि है इसका N4 वेरिएंट, इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा बुलेरो नियो के बेस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। जैसे कि आप इस गाड़ी के डिज़ाइन को देख सकते हैं, बिल्कुल एक टॉल बॉय डिज़ाइन आपको दिया गया है। काफ़ी लोगों को अभी क्योंकि इसमें व्हील कवर नहीं लगे, आपको ये मारुति सुजुकी की बड़ी वाली वैगनार लग रही होगी, बट इस गाड़ी में फीचर्स काफ़ी दिए हैं आपको। अगर आप इंटीरियर में देखते हैं, एक्सटीरियर में देखते हैं, तो गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन जो इनके टॉप वेरिएंट है उन्हीं की तरह मिलने वाला है। बाकी पीछे आपको N4 वेरिएंट है इसलिए यहाँ पे इसकी बैजिंग मिल जाएगी। बाकी आप इसके कुछ टेल लैंप्स का डिज़ाइन देख सकते हैं और गाड़ी में काफ़ी सारे चेंजेस हैं अगर आप कंपेयर करते हैं इसके दूसरे मॉडल से। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके फ्रंट लुक की ओर, जहाँ से हम इसके डिज़ाइन को और अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो ये है इस गाड़ी के फ्रंट का व्यू। फ्रंट का व्यू आपको इसमें TUV300 से ही इंस्पायर्ड मिलता है क्योंकि ये TUV300 का फेसलिफ्ट है। तो फ्रंट में जैसे आपने देखा, तो यहाँ आप कुछ देखेंगे जो इनने नया अपडेट इसमें लाए थे, जो कि इसकी ये वर्टिकल स्लैट्स थी, ये आपको कुछ ब्लैक शेड में मिलने वाली है। ये पियानो ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा सा डल पियानो ब्लैक इसे कहा जाएगा। और आगे कुछ यहाँ पर आपको हेक्सागोनल एलिमेंट्स दिए गए, महिंद्रा का लोगो मिलता है। अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की। तो हेडलैम्प्स में आपको नॉर्मल हेडलाइट इसमें दी गई है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको DRL का फंक्शन नहीं है। जैसे आपको टॉप वेरिएंट में स्प्लिट हेडलैम्प्स मिलते हैं, इसमें दिया गया है लेकिन बल्ब थोड़ा अलग टाइप का इसमें है और ये इसका कुछ टर्न इंडिकेटर है। बाकी नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प्स नहीं दिए जाते इसमें। और जो बम्पर का डिज़ाइन है, ये कुछ ना कुछ आपको N8 वेरिएंट की तरह मिलने वाला है। बाकी ये कुछ आप देखिए इसके थोड़ी सी साइड की प्रोफाइल को। अब हम बात करते हैं इसके टायर साइज़ की। तो टायर साइज़ जो इसमें आपको मिलता है, ये टॉप वेरिएंट ले लीजिए या फिर बेस वेरिएंट ले लीजिए, ये आपको एक जैसा टायर साइज़ ऑफर कर रही है महिंद्रा। इसका टायर साइज़ है 215/75 रेडियल, 15 का टायर है, 215 इसकी चौड़ाई है, 75 सेक्शन इसका ऊंचाई है और 15 इंच का आपको इसमें स्टील रिम व्हील मिल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको व्हील कवर नहीं ऑफर किया गया है, ना ही आपको इसमें कोई ब्लैक पेंट मिलने वाला है जैसे कि इसके N8 वेरिएंट में मिलता है। बाकी ये देखिए इस गाड़ी की कुछ फ्रंट की प्रोफाइल। आगे आपको ब्लैक कलर में कुछ बम्पर मिलता है जो सेंटर वाला है, इसमें आपको सिल्वर फिनिश नहीं मिलने वाली है। बाकी बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 184 mm, इससे पहले TUV300 में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था। इसका क्या ग्राउंड क्लियरेंस है महिंद्रा ने अभी तक हमसे शेयर नहीं किया है। बाकी बॉनेट में आपको वही जो फ्लैट बॉनेट मिलता है वही मिलने वाला है। बाकी जो इस मॉडल है ना, इसकी सबसे खास बात यह है इसकी कीमत। इसकी एक्शोरूम प्राइस है 8.48 लाख रुपीज़, लगभग 8.5 लाख रुपये इसकी एक्शोरूम प्राइस है। ऑन रोड ये मॉडल करीब 10 लाख रुपये के आसपास बैठता है। अगर इसे आप टॉप मॉडल से कंपेयर करेंगे तो करीब 1.5 लाख रुपये का एक्शोरूम ही एक्शोरूम में ये आपको सस्ता पड़ने वाला है। और अगर आप इसके मिड वेरिएंट जो कि इसका N8 वेरिएंट है, इससे पहले मैंने वीडियो आपको दिखाई है, वो इससे करीब 1 लाख रुपये महंगा है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एक बजट वेरिएंट इसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको किसी भी प्रकार की व्हील क्लैडिंग नहीं मिलती है, सिंपल डिज़ाइन है, मेटल मिलने वाला है आपको, पूरी मेटल बॉडी है। और ये जो व्हील वेल है यहाँ पर आपको प्लास्टिक का पूरा मिलने वाला है। जो साइड की प्रोफाइल है ये आपको बॉक्सी डिज़ाइन मिलने वाला है। काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था ये, क्योंकि TUV300 की जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी अच्छी है मार्केट में। और यहाँ पर आपको जो ORVMs मिलते हैं ये भी आपको देखिए, जो ये है ना, ये ब्लैक है, थोड़ा सा पियानो ब्लैक भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ब्लैक है। अगर इसमें थोड़ा सा और ग्लॉस होता तो ये और प्रीमियम हो सकता था, वो आप अपने एंड पे करवा सकते हैं। बाकी नीचे कुछ आपको ब्लैक क्लैडिंग मिलती है, ये आपको मैनुअली फोल्डिंग का फंक्शन देता है और एडजस्ट भी आप इसे मैनुअली करेंगे। और जो आपको ए पिलर मिलता है ये भी आपको बॉडी कलर दिया गया है, ऊपर आपको एक रेडियो एंटीना ऑफर किया गया है। और ये बुलेरो नियो में आपको किसी भी प्रकार की रूफ रेल का फंक्शन नहीं दिया गया है। तो बाकी गाड़ी की आपने साइड प्रोफाइल अभी देखी ही, और ये है इस गाड़ी की रियर की प्रोफाइल। यहाँ पर आपको रियर में पार्किंग कैमरा ऑफर किया गया है जो कि कुछ ऐसे है, ये इसके सारे आप रिफ्लेक्टर देख सकते हैं। जो पीछे आपको बुलेरो से इंस्पायर्ड करके यहाँ पर आपको एक्स फैक्टर मिल रहा है, ये आपको बॉडी कलर दिया गया विथ महिंद्रा का लोगो। बुलेरो नियो की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलती है और ये पूरा कुछ पीछे चढ़ने के लिए फुट स्टेप दिया गया है। और साइड में जो फुट स्टेप इसमें दिया जाता है बाकी वेरिएंट में, वो इसमें मिसिंग है। 50 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलता है जो कि सिर्फ डीजल इंजन के साथ आती है गाड़ी। तो ये है, और ये क्लैडिंग्स भी इसमें अभी भी बरकरार है। अब हम बात करते हैं इसकी चाबी की। तो इसमें आपको नॉर्मल चाबी मिलने वाली है, किसी भी प्रकार की आप इसमें सेंट्रल लॉकिंग तो चाबी में नहीं है, आप वैसे कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ इसमें फंक्शन नहीं है। सिंपल जैक नाइफ की है दोनों की दोनों। जैसे N8 वेरिएंट में आपको एक ही सादी चाबी मिलती है और एक सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिलती है, इसमें दोनों ही सादी है। तो ये थोड़ा इसका फंक्शन कह लीजिए या फिर इसकी इतनी लिमिटेशंस है। यहाँ से आप इसको करेंगे तो सेंट्रल लॉकिंग आप कर सकते हैं इसे,
लॉक हो जाएगी और ऐसे और लॉक हो जाएगी। आइए चलते हैं इसके इंटीरियर्स की ओर। इसमें देखिए आपको किसी भी प्रकार का म्यूज़िक सिस्टम नहीं कर ऑफ़र कर रही है महिंद्रा, क्योंकि देखिए टॉप मॉडल से ये करीब 1.5 लाख रुपए सस्ता है और फिर भी जो इंटीरियर की क्वालिटी है एक तरीके से एक जैसी ही इन्होंने बरकरार रखी है। जो सेंटर में सारा कंसोल है इसमें आपको कोई भी जैसे उसमें सिल्वर एक्सेंट्स मिलते हैं, पियानो ब्लैक मिलता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल डिज़ाइन रखा है। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का म्यूज़िक सिस्टम इसमें लगवा सकते हैं। बाकी डोर पैनल में बात करेंगे तो डोर पैनल का डिज़ाइन पूरा कुछ ऐसा दिया गया है। इसमें भी देखेंगे तो कुछ यही जो टॉप मॉडल्स में प्लास्टिक क्वालिटी है सिमिलर बरकरार रखी गई है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आप लॉन्ग रन और एक ड्यूरेबल गाड़ी की ओर देख रहे थे तो यहाँ पर आपको अच्छी तलाश मिल गई है। ये आपको सारे के सारे मैनुअली फोल्डेबल मिलने वाले हैं। एक चीज़ आप और गौर करेंगे, इस गाड़ी को आप एज अ कमर्शियल पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपको अननेसेसरी फीचर कुछ भी नहीं दिया है। काफ़ी लोगों को म्यूज़िक सिस्टम अपनी पसंद का लगाना पसंद है, फिर भी देखिए आपको इसमें AC दिया गया है। तो देखिए अगर आप इसे कमर्शियल भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर ग्रिल्स दी गई है जिसमें आप अपना स्पीकर सिस्टम लगवा सकते हैं। बाकी इसके जो ऊपर वाले वेरिएंट है उसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इससे करीब 1 लाख रुपये महंगा है। जो सीट्स आपको मिलती है इसमें फैब्रिक नहीं दी गई है, इसमें आपको विनाइल का फंक्शन, जो विनाइल मटेरियल मिल रहा है ये विनाइल है। और जो इससे ऊपर वाला मॉडल है उसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है। यहाँ पर भी देखिए आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिलता है, यानी कि अगर आप गाड़ी कहीं पर रोकते हैं तो इंजन इसका बंद हो जाएगा और जैसे ही आप दोबारा क्लच दबाएंगे तो ये इंजन अपना आप स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमी मोड आपको इसमें दिया गया जिससे आपके डीजल की बचत होगी और यहाँ से आप अपनी हेडलाइट्स का लेवल सेट कर सकते हैं। बाकी ये सारे AC वेंट आपको प्रोवाइड किए गए। इसमें किसी भी प्रकार के आपको सिल्वर या फिर क्रोम बेजल्स नहीं है, सिंपल डिज़ाइन रखा गया है और ये सारे के सारे आप इसमें स्टॉक्स को देख सकते हैं। बाकी ये महिंद्रा थार से मिलता जुलता आपको कुछ इसमें स्टेयरिंग ऑफर किया गया है। तो ये है इसके जो कैबिन का पूरा एम्बियंस आप देख पा रहे हैं। सीट्स आपको इसमें एक ही फिक्स हाइट पे दी गई है, बाकी आप आगे पीछे इसको स्लाइड कर सकते हैं। ये इसका कुछ की होल आपको ऑफर किया गया है और देखिए अभी ये क्योंकि ना इसको क्लच चाहिए ना ही कुछ चाहिए, सीधे स्टार्ट हो जाती है, बस न्यूट्रल होना चाहिए तो वो भी थोड़ा सा ईजी होता है अगर आप इसको एज आ कमर्शियल पर्पज़ यूज़ करते हैं। आप देखिए हम बैठ गए इसके अंदर और ये इसका सारा आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, तो मुझे ये सब कुछ सेम लग रहा है। टॉप मॉडल ले लीजिए, बेस मॉडल ले लीजिए, सब कुछ सेम इसमें दिया गया है। बाकी स्टेयरिंग का जो गोलाई है अच्छी दी गई है, इसमें किसी भी प्रकार के आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। बाकी हॉर्न सुनते हैं, इसका हॉर्न भी सेम है। इसमें काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसमें क्रेटा सेल्टॉस की तरह हॉर्न मिलना चाहिए थे टॉप मॉडल्स में, तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है और ये सारे के सारे आप प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है अभी भी बेस मॉडल में। किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कहेंगे कि कॉस्ट कटिंग कर दी है वो कर दी। AC आपको इसमें मैनुअल मिलता है और AC का जो ब्लास्ट है बिल्कुल सेम है, कोई भी कमी नहीं है ब्लास्ट में, कूलिंग भी अच्छा कर रहा है। सेफ्टी की बात करें तो आपको इसमें 2 एयरबैग मिलते हैं, ABS मिलता है, EBD मिलता है, कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, तो सेफ्टी के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी है। यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको स्पेस देखने को मिलेगा और अच्छा खासा इसमें सब कुछ दिया गया है। सेंटर में यहाँ पर आप अगर आप इसको कटआउट करते हैं तो यहाँ पर आप अपना म्यूज़िक सिस्टम प्लेस कर सकते हैं। हज़ार्ड के लिए लाइट दी गई है और यहाँ पर AC आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। AC का इकोनॉमी मोड आप यहाँ से लगवा सकते हैं और ये कुछ रीसर्कुलेशन के लिए ऑफर किया गया है। बाकी ये इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि आपको इससे पहले N8 में आपने देखा होगा, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही गियर लीवर देखने को मिला था। गाड़ी को देखिए हम थोड़ा सा इसमें आगे को बढ़ा लेते हैं। बाकी मैंने एक हाथ से अभी स्टेयरिंग इसमें जो मिलता है आपको ये हाइड्रोलिक स्टेयरिंग इसमें ऑफर किया गया है, जो कि थोड़ा सा आपको हैवियर फील होने वाला है कंपैरिजन टू अगर आप इसको लाइट जो आपको आदत होगी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग की, तो ये थोड़ा सा आपको हैवियर फील होगा, बट इसमें जो कमांडिंग फील आपको मिलती है ना ड्राइव करते समय वो काफ़ी शानदार है। बाकी ये आपने देखा इसके पूरे इंटीरियर के लेआउट को, विनाइल की सीट्स मिलती है। मैं अगर अपने हेडरूम की बात करूँ आपसे तो मेरा हेडरूम गाड़ी में कुछ इतना है, काफ़ी शानदार हेडरूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी करीब ऑन रोड 10 लाख के आसपास आ जाएगी, 8.5 लाख इसका एक शोरूम है। और इससे पहले आपने देखा था कि डस्टर जो आती थी वो भी इसी प्राइस में आ जाती थी। अब आप कहेंगे कि ये थोड़ी महंगी हो रही है वो है, बट जो है ये है। अब बात करते हैं सीधे इसके इंजन्स की। इंजन आपको इसमें महिंद्रा केवल एक ही ऑफर कर रही है, वो है इनका 3 सिलेंडर का डीजल इंजन, जो कि M-Hawk 100 सीरीज आया हुआ है। ये इंजन पहले बुलेरो में भी आता था, जो कि करीब पहले 75 हॉर्स पावर बनाता था, लेकिन अब इस गाड़ी में ये 100 हॉर्स पावर बनाता है और 260 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये आपको ऑफर कर रहा है। कंपनी जो इसका माइलेज क्लेम कर रही है ये कर रही है 17.2 KMPL का, लगभग ऑन अगर आप इसको रियल लाइफ में बात करेंगे तो ये करीब 13 से 14-15 ये माइलेज आपको ऑफर करने वाला है। बाकी ये इसका कुछ टर्बो चार्जर प्लेस है, ये इसके सारे इंजेक्टर्स को आप देख रहे हैं,
यहाँ पर देखिए बेस मॉडल होते हुए भी आपको ऊपर थोड़ा सा पूरी इंसुलेशन दी गई है, जिससे कि देखिए ये गाड़ी एक फैमिली कार की तरह डेडिकेट कर रही है महिंद्रा। तो थोड़ा सा आपको जो चाहिए एक साइलेंट कैबिन वो आपको ज़रूर इसमें मिलने वाला है। यहाँ पर भी कुछ आपको ऐसी क्लैडिंग्स दी गई है और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मेंशन कर रही है महिंद्रा। इसको बंद करते हैं जल्दी से। तो ये कुछ देखा आपने इसके फ्रंट का लुक, जिसमें हल्का फुल्का आपको मैंने कहा ना कि थोड़ा डल शेड में आपको पियानो फिनिश दी गई है। इसको आप थोड़ा सा अगर ये थोड़ा और प्रीमियम रहता तो और थोड़ा अलग निखर के आ सकता था। बाकी आइए चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो की ओर। सेकंड रो में चलने से पहले मैं आपको, ये तो मैंने आपको इसका मेंशन सब कुछ कर ही दिया है, बाकी एसी को भी हम फुल ब्लास्ट में कर देते हैं, जिससे हम पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पीछे इसका कितना ब्लास्ट आ पाता है। तो ये देखिए इसकी कुछ सेकंड रो को, सेकंड रो का कुछ पूरा स्पेस ये है, सिमिलर है सब कुछ। आपको यहाँ भी देखिए पावर विंडो और ये सारा कुछ दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। देखिए बेस मॉडल में भी आपको पावर विंडो का फंक्शन मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा मैं कहूँगा। ये आप देख सकते हैं इसके पूरे डैशबोर्ड के पूरे व्यू को, और ये सारा का सारा आप यहाँ इसका पूरा व्यू देख सकते हैं। पीछे इसमें तीन लोग आसानी से बैठ जाएंगे, और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। ये सीट मैंने अभी पूरी पीछे की हुई है, तो मेरी लंबाई 6 फिट है, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बढ़ रहा है। बट आगे देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। तो अगर इस वाली के भी अगर मैं अकॉर्डिंग इसको लेके चलता हूँ और यहाँ बैठ के देखते हैं, तो गाड़ी में अच्छा स्पेस है। अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करते हो तो गाड़ी में अच्छा स्पेस दिया गया। पीछे हल्की सी आपको टनल मिलती है। बाकी अगर आप अपना हेडरूम और ये सब कुछ मेरे से जज करना चाहेंगे तो ये मेरा आप इसमें हेडरूम देख सकते हैं, शोल्डर रूम देख सकते हैं, सब भी कुछ एफिशिएंट है। मतलब बेस वॉरेंट होते भी मॉडल में सब कुछ मिल रहा है आपको एक तरीके से। यहाँ पर आपको कुछ पावर विंडो मिलती है, और ये सेंटर में आपको कुछ यहाँ इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। बूट की बात करें तो यह है इसका कुछ बूट स्पेस। बूट स्पेस में आपको दो साइड फेसिंग सीट्स मिलती है, और आप में से काफ़ी लोग चाह रहे थे कि ये थोड़ा सा कुछ अलग लेआउट में होती, फ्रंट फेसिंग होती। तो देखिए फिर उसमें दिक्कत ये थी कि इसका जो लेग रूम है वो आपको कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि इस गाड़ी की जो लंबाई है ये 4 मीटर से कम है, 3995 मीटर इसकी लंबाई है। तो उसमें यही वाली सीटें ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, नहीं तो फिर या तो ये सीट में आपको कम स्पेस मिल पाता या फिर आगे ड्राइवर सीट में, और गाड़ी का बोनेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है। बाकी अभी जो बूट स्पेस है ये करीब 384 लीटर का है, 384 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस दिया गया है। और ये वाली जो विंडोज़ आपको इसमें ऑफर की गई है ये आपको स्लाइड कर सकते हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी ये लेआउट आपने मेरी और वीडियोज़ में भी देखा ही है, ये नीचे को आ जाता है, और स्पेयर व्हील जो है इसका आई थिंक ये इनने इसी के नीचे प्लेस किया हुआ है, जो कि स्पेयर व्हील शायद इसका, सॉरी स्पेयर व्हील आपको इसमें बाहर मिलता है, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है और सेगमेंट की एकमात्र रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, सिर्फ आपको बुलेरो में ही दिया गया है। तो ये आप इसका पीछे का गुड डिफरेंशियल देख सकते हैं, और ये इसके सारे के सारे आप सस्पेंशंस को देख पा रहे हैं। तो ये रही आपकी न्यू बुलेरो, न्यू जिसको कहा जा रहा है, उसका बेस वेरियंट शानदार है। मतलब 8.48 लाख रुपीज़ में। आप मुझे अपनी ओपिनियन बताइए। बाकी मिलता है इसी तरीके से नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो BS6 इंजन इसमें दिया है, तो जो एग्जॉस्ट फ्लूड है वो भी आप इसी साइड से भरने वाले, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। एक बार अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, तो यहाँ से आप देख सकते हो अभी इसका इंजन चालू है, फ्यूल की वेस्टेज हो रही है। एग्जॉस्ट फ्लूड की बात करें तो यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, और ये कुछ इसका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड भरने के लिए दिया जा रहा है, जो कि करीब 6 से 8 हज़ार किलोमीटर तक आपका चल जाएगा आसानी से अगर आप आराम से चलाते हैं तो। ठीक है, हर सर्विस तक भी अगर ये चलता है तो ये अच्छी बात है। इसको बंद करने का सिस्टम भी आई थिंक ये अंदर से होगा, इसको मैं भी करता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।